नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद ये पांच काम बिल्कुल ना करें। जाने साइड इफ़ेक्ट्स पर WHO ने क्या कहा। COVID-19 वैक्सीनेशन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध हो रही है। इस बीच WHO ने टीकों के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि टीकों के बाद हल्के साइड इफ़ेक्ट्स होना सामान्य बात क्यों है। कोविड टीकों के आम साइड इफ़ेक्ट्स और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर भी WHO ने जानकारी दी है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद आपको कुछ गतिविधियों से थोड़े दिनों के लिए तौबा कर लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कोरोना टीकों के साइड इफ़ेक्ट्स पर WHO ने क्या कहा है। WHO ने पिछले दिनों एक फीचर में बताया कि टीका लगने के बाद हल्का बुखार, मांसपेशियों में दर्द सामान्य बात है, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। WHO के अनुसार यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम वैक्सीन की प्रतिक्रिया दे रहा है। कुछ दिन में ये साइड इफ़ेक्ट्स चले जाते हैं। इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, थकान, सिर दर्द, डायरिया जैसे साइड इफ़ेक्ट आम हैं। कुछ मामलों में थोड़े दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को भी मिल सकते हैं। इनमें एलर्जिक रिएक्शन शामिल है। हालांकि वैक्सीन के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स पर WHO ने कहा कि टीके सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाने के फौरन बाद ना करवाएं टैटू। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको कोविड वैक्सीन लेने के कुछ दिन बाद तक टैटू नहीं कराना चाहिए। इसकी बेहद कम संभावना है, फिर भी एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो सकता है। अगर आपको टैटू कराना ही है तो वैक्सीन लगवाते समय डॉक्टर से पूछ ले, या फिर टीका लगाने के बाद कुछ दिन इंतज़ार कर ले। साथ ही कोई और वैक्सीन ना लगवाएं। वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड टीका लेने के 2 हफ्ते पहले और बाद तक कोई और टीका लगवाने से बचे। अभी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कोरोना के टीके बाकी टीकों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ऐसे में कुछ हफ्तों का गैप लेने में ही समझदारी है। एक्सरसाइज से थोड़ा सा करें परहेज। वैक्सीनेशन के बाद वर्कआउट से बचें। अगर आपकी मांसपेशियों में दर्द है तो कसरत करने से वह और बढ़ सकता है। बेहतर होगा कि टीका लगने के बाद 1 या 2 दिन का ब्रेक लें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। वैक्सीनेशन के बाद शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोसेस करने में पानी शरीर की मदद करता है। अगर आपको टीका लगने के बाद बुखार आता है तो उसमें भी उबरने में यह मदद करेगा। वैक्सीन सर्टिफिकेट संभाल कर रखें। कोरोना वायरस टीका लगने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसे आप डिजिटली भी स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल इसे संभाल कर रखें। हो सकता है कि आने वाले वक्त में यात्रा, वीजा इत्यादि के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़े। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।